ओके सर, मिनट। हाय लेट्स गो। ओके हाय भूषण, हम लोग जो पीछे है ना, ये सब चीजें हम लोग को तो पढ़ना ही नहीं अभी। लोग कहाँ पे थे, कोई मुझे बताएगा? सिग्निफिकेंट हो गया था ना, कोई तो बोलो। यस सर, सिग्निफिकेंट हो गया था, ये लॉ ऑफ यस सर, कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया था, ये वाला दोनों हो यस गया था। यस ओके यस सर, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया था। यस सर, यस सर, ओके क्वेश्चन करा दिए थे मैंने, यस सर, लॉ ऑफ मल्टीपल यस सर, प्रोपोर्शन ये सब हो गया था ना, यस सर, सर, गे लुसाक लॉ। यस सर, यस सर, ओके अवोगाड्रो लॉ। यस सर, यस सर, ओके थैंक यू। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हो यस सर, गया था, यस सर, कंफर्म हो? ओके एटॉमिक मास यस, यस हो सर, गया था ना, कंफर्म? सर यू आर स्क्रीन इज यस नॉट विजिबल। क्या अच्छा, मैंने शेयर किया है कि नहीं स्क्रीन यार पहले? अरे यार आप लोग तो ऐसे ऐसे कर रहे हो, मैंने तो स्क्रीन शेयर ही नहीं किया है, मतलब कैसे बोल दिए यार। सर, नोट्स में अरे हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, चलिए फिर से वापस चलता हूँ। वो नोट्स एक्चुअली मैंने ना ध्यान नहीं दिया था, वो किसी दूसरे क्लास का भी हो सकता है, नोट्स के अनुसार से मत जाइएगा। एक्चुअली आपको जो पढ़ाया है वो देखिएगा, ठीक है? एक्चुअली कई बार क्या होता है कि इतनी सारी बैचेस चलती है तो किसी में भी जो सही से होता है या जिसमें कुछ चीजें छूटी नहीं रहती तो उसका भी भेज देते कई बार। मैंने कहा एटॉमिक मास ये हो गया था, यस सर, कंफर्म यस सर, हो? यस सर, यस सर, चलिए ठीक यस है। सर, एवरेज एटॉमिक मास हो गया नो सर, नो था। सर, ये हुआ था, अरे बोलिए, नहीं हुआ नो तो सर, नो बताएंगे ना सर, बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो लग रहा है कि एटॉमिक मास ये हुआ था, एटॉमिक मास दिख रहा है ये। ये हो गया था ना, यस सर, अरे यस सर, बोलिए। देखो यस सर, एक्चुअली मेरे सामने मेरे पास 5-6 बैचे चलते हैं, तो मेरे को कंफर्म नहीं रहता किस बैच में क्या चल रहा है, इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ तो आप मेरे को जो है थोड़ा सा हिंट कर दे। एटॉमिक मास हो गया था तो हम लोगों को ये पढ़ना था, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है? ओके मेरी स्क्रीन विजिबल है यस सर, या नहीं है? यस सर, ठीक है चलिए, एवरेज एटॉमिक मास की बात करते हैं, ठीक है? चलिए अब एवरेज एटॉमिक मास क्या कहता है कि, वैसे भी 7 मिनट बर्बाद हो गया, कोई बात नहीं। एलिमेंट आर फाउंड इन डिफरेंट एसोटोपिक फॉर्म्स। एक्चुअली देखो ना, कभी आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा कि कभी आपके मन में आया कि हाइड्रोजन का मास हम 1 क्यों नहीं लेते हैं, हम क्यों लेते हैं 1.02? कभी आपने नोटिस किया? या ऑक्सीजन का मास हम 16 ना लेके हम क्यों लेते हैं, यानी कि इतना 16 पॉइंट समथिंग जो है, ऐसा आप लोगों ने कभी नोटिस किया? कभी आपके मन में कोई विचार आया कि सर ऐसा क्यों होता है कि पॉइंट में उसका मास लिया जाता है? कभी आपके मन में विचार आया? यस सर, नो आया था सर, कि नहीं आया था? यस सर, हाँ तो आप लोगों ने सोचा होगा कि सर ये क्यों जो हम लोग जो है यानी कि पॉइंट में, हाँ तो आज मैं बताता हूँ इसका रीजन क्या होता है, क्यों जो है यानी कि पॉइंट में होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब आपके पास क्या होता है, जब दो या दो से अधिक आइसोटोपिक फॉर्म्स पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स पाए जाते हैं, कोई मुझे बता सकता है? थ्री हाइड्रोजन थ्री के कितने आइसोटोप्स पाए जाते हैं? थ्री हाँ यानी कि थ्री 3 पाए जाते हैं। सर आपने ही इस टॉपिक से स्टार्ट किया है ना? हाँ बिल्कुल बेटा, मैंने यहीं से स्टार्ट किया है, यानी कि इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, यानी कि ये क्या होता है, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम, यानी कि ट्रिटियम, 3 है। चलो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ ये जो होता है ना, इसको प्रोटेरियम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, प्रोटेरियम प्रोटीन, कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं, हाँ ड्यूटेरियम कहते हैं, ठीक है? और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रीटेरियम।
ट्रिटियम। टेरियम कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इतनी सी बात याद रखना, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ ट्रिटेरियम कहते हैं। यानी कि अब यानी कि H1 यहां से ये हो गए, यानी कि ये 2 हो गए, यहां से H1 3 हो गया। अब यानी कि जो है, यानी कि क्या हो गए, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि लिख सकते हो, मेरे को बता सकते हो कि प्रोटेरियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। ऑप्शन दो, सर जीरो क्या कोई मुझे बता। जीरो हाँ वेरी गुड, यानी कि जो है जीरो इसके अंदर जो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, जीरो होती है। चलिए ये आपको पता है, मैं अब आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि सबको पता है, ठीक है। आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो इसलिए आप लोगों को पता है, बहुत बच्चे जो इसके कह देते हैं 1, तो इसलिए मैंने सोचा कि देखूं शायद आप लोग फंसते हैं कि नहीं फंसते हैं। तो डॉक्टर लोग फंसते नहीं, फंसाते हैं वैसे भी रोगी को, ठीक है, आप समझ में आ गया, ठीक है, कोई नहीं। चलिए अब यानी कि अब इन तीनों का मास, यानी कि तीनों अलग अलग परसेंटेज में पाया जाएगा। तो वो कहता क्या है कि एवरेज एटॉमिक मास कि एलिमेंट आर फाउंड इन डिफरेंट आइसोटोपिक फॉर्म्स, यानी कि वो जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है क्या होते हैं, आइसोटोपिक फॉर्म में पाए जाते हैं। सो द एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इज द एवरेज ऑफ ऑल द आइसोटोपिक मास विद इन अ गिवन सैंपल। अभी लैंग्वेज ना समझ में आए कोई बात नहीं, आप सीधे सीधे समझो कि अगर जो दो या दो से अधिक कोई आइसोटोपिक फॉर्म में पाया जा रहा है और उनकी परसेंटेज अलग अलग है, उन दोनों का एवरेज निकालोगे तो जो निकलेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं अगर से कहूं, जैसे मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे पास जो है कि एवरेज जो है मास निकालना है, ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, एवरेज मास निकालना है। अब एवरेज मास निकालना तो यानी कि क्या निकालूंगा कि जैसे मान लो कि जो जो एलिमेंट दिया रहे, मेरी बात ध्यान से सुनना कि जो जो एलिमेंट दिया रहे आपको क्या करना है कि इस प्रकार से, क्या मैं म्यूट हो गया हूं, मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक, ओके। अब आपको क्या करना है, मास ऑफ ए, मैं देखो शॉर्ट में लिखता हूँ, मास ऑफ ए इनटू परसेंटेज ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इनटू परसेंटेज ऑफ बी, इसी तरह से मास ऑफ सी इनटू परसेंटेज ऑफ सी। जो जो आइसोटोप्स दिया रहेगा उनका मास लिखना, उसका परसेंटेज लिखना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइडेड बाय 100 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ये जो है एवरेज मास निकल जाएगा किसी का भी। जैसे एक एग्जांपल समझाता हूँ कि मैं क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं, मैं सिंपल फॉर्म में लिखता हूँ कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स पाए जाते हैं, एक है क्लोरीन 17 और एक है 35 वाला, और एक है क्लोरीन आपको पता है 17 और 37 वाला। इसका जो परसेंटेज पाया जाता है वो कितना परसेंट पाया जाता है, 75% पाया जाता है। इसका जो परसेंटेज पाया जाता है 25% पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यानी कि मैं पहला क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप लोग बनाना, आप लोगों को भी मैं मौका दूंगा, ठीक है। यानी कि मुझे एवरेज निकालना है, एवरेज मास, यानी कि मुझे क्या निकालना है, एवरेज मास निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा कि आप जो है यहां से क्या कर सकते हो कि सिंपली मास ऑफ ए, मास ऑफ ए क्या हो जाएगा, यानी कि क्लोरीन का मास ए इसको मैं मान लेता हूँ और इसको जो है बी मान लेता हूँ, सपोज करो कि जो भी आप इसको मान सकते हो, तो यानी कि मास ऑफ ए कितना हो जाएगा, यानी 35, यानी कि हमने जो है क्या इतना कर दिया 35 इनटू, अब यानी परसेंटेज इसका कितना है 75%, तो यानी कि हमने कितना लिख दिया 75 प्लस बी का मास कितना है 37 और परसेंटेज कितना है यानी 25 इनटू होगा, सॉरी यहाँ पे मैंने जो है, अब ये कितना हो गया, यानी कितना हो गया, अब टोटल 100 है, यानी कि, तो यानी कि जो हम लोग कितना से डिवाइड कर देंगे 100 से, आप इसको सॉल्व करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 3505 डिवाइडेड बाय 100 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 35.5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, इसी कारण से जो क्लोरीन का मास होता है वो कितना लेते हैं, 35.5 लेते हैं। समझ में आ गया, आया या नहीं आया? हाँ, इसी कारण से जो होता है कि अलग अलग का जो अलग अलग परसेंटेज पाया जाता है, जिस कारण से उसका मास का भी जो क्या होता है, यानी कि अलग हो जाता है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी कि इस प्रकार। चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपके लिए, एक पहले एक और फॉर्मूला बता देता हूँ आपको मैं, लेकिन कई बार ना आपको मोल के टर्म में दिया रहेगा क्वेश्चन, वो सीधे सीधे नहीं देता। जैसे नीट ने एक बार क्वेश्चन क्या दिया था, जैसे मान लो मैं सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ कि वो जो है पहले एवरेज मास इक्वल टू, अगर जब वो क्या दिया रहे मोल के टर्म में, एवरेज मास इक्वल टू, अब कब दे रहा है, जैसे मान लो कि मैं दो ले ले रहा हूं, तो यानी कि मास ऑफ ए इनटू मोल ऑफ ए,
अभी आगे मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आप याद रखना कि मास ऑफ बी इंटू मोल ऑफ बी, और नीचे में क्या कर देना, एन ए प्लस एन बी कर देना, ठीक है? ये सेकेंड फॉर्मूला है। इसी तरह से तीसरा भी रेशियो, अगर जो रेशियो के टर्म में दिया रहेगा तो यहाँ रेशियो लिखना, यहाँ रेशियो लिखना, और दोनों रेशियो को ऐड करके लिख देना, ठीक है? चलिए, जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ, फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज मास ऑफ ए एंड बी आर इफ इट्स मोल आर 2.4 एंड इट्स मास इज 20.40 ग्राम। ठीक है, आपको मान लो सपोज करो इस टाइप से क्वेश्चन दिया है, क्या आप लोग बनाना चाहेंगे? अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो प्लीज इसको ट्राई कीजिए, क्योंकि जो है मैं चाहता हूं कि आप लोग बनाएं। आप लोग लेफ्ट मत होइए, कुछ ना कुछ तो जरूर सिखाऊंगा मैं, आप लोग चिंता मत कीजिए। आप लोग जैसे मेरे साथ जुड़ोगे, जब एक बार यूनिट कंप्लीट हो जाएगा ना, मैं क्वेश्चन भी डेली दूंगा 10-10, आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। आप लोग चिंता नहीं कीजिए, जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा क्लास लूंगा आप लोगों की। मैं बस रिजल्ट चाहता हूँ आप लोगों से, और कुछ नहीं चाहता हूँ, ठीक है? आप लोग भी मेरे साथ एकदम जुड़े रहिए, जैसे जैसे जब भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग मेरे से पूछते चले जाइए, ताकि कि जो हम लोग जो है, यानी क्या, यानी कि 33.3, वेरी गुड योगेश भूषण। और कोई एनीवन एल्स, कोई और बताना चाहेंगे? 33.3, वेरी गुड सेजल, आर्यन, वेरी गुड, थैंक यू, आप लोग बता रहे हैं, एक्टिव है। और कोई? दीपक भारती, 33.33, वेरी गुड। चलिए मैं बना देता हूँ अब, यानी कि अनमोल बंसल, 33.33, वेरी गुड। बाकी बच्चे जो है नहीं बता रहे हैं, अंक आकाश, उशांत, वरुण, वेरी गुड, आशीष, अमर सक्सेना लेफ्ट हो गए हैं, यानी कि हमें भागना नहीं है, हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि जीते नहीं, ठीक है? अभिषेक, रोहित, वेरी गुड, स्पर्श। चलिए अब हमारे पास जो है, यानी कि क्या है, देखो, यानी कि मास ऑफ ए दिया हुआ है यानी कि 20, मोल दिया हुआ है 2, और आपके पास कितना है, यानी कि मास ऑफ बी यानी कि कितना दिया हुआ है 4, वेरी गुड, सभी के लिए नियति, ठीक है? चलिए, तो यानी कि आपके पास टोटल मोल कितना हो जाएगा, 4.6, 2 + 4 यानी कितना हो जाएगा 6, अब यानी कि 40 प्लस यानी कि कितना हो जाएगा 160 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि कितना हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि इसको 100, और यानी कि कितना हो जाएगा 2 से 3 तो यानी कि 33.33, ठीक है? यानी कि जिनका भी आंसर आया था, वेरी गुड, आप लोग जो है बहुत ही तेज तरार है। अब जैसे मान लो कि मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, सपोज कीजिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास है फाइंड द एवरेज मास, फाइंड द एवरेज मास, यानी कि आपको क्या निकालना है, एवरेज मास निकालना है इफ रेशियो ऑफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी आर 1:2:3:4, ठीक है? इफ इट्स मास, इफ इट्स मास इज 20.30.40.50, ठीक है? आप लोग इसको क्या बना सकते हैं, तो बना सकते हो तो प्लीज ट्राई कीजिए, आप लोगों के सामने है। थैंक यू रिजी गोयल, आप फिर से ज्वाइन होने के लिए। चलिए आप लोग इसको ट्राई कीजिए, इसको फटाफट से बना लीजिए, मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है। वो मैंने बस 3 बताया था, ऐसा नहीं समझना कि 3 ही तलक के लिए निकाल सकते हैं, आप जितना भी निकाल सकते हो। 40, वेरी गुड योगेश, थैंक यू, आपका जो है पहला आंसर आया है। मैंने बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन लिया ताकि कि आप लोगों को दिक्कत ना रहे, इसीलिए जो है मैं सिंपल सिंपल ले रहा हूं। स्पर्श, वेरी गुड, 40, वरुण, 40, वेरी गुड, एनीवन एल्स, कोई और बताएगा? सूर्यांश, 40, दीपक भारती, 40, गौरव, सुशांत, रोहित, जतिन, वेरी गुड, हर्षित, अनुपम, ऋतिक, सगुन, वेरी गुड सगुन। चलिए अब मैं बना देता हूँ, आप लोगों ने बता दिया, ठीक है, थैंक यू सेजल, थैंक यू।
आशीष 40, ठीक है। चलिए आपके पास एवरेज मास निकालना है, मैं एवरेज मास को ए एम कर देता हूँ ताकि कि जो है समय बचा जा सके। अब यानी कि आपके पास कितना दिया हुआ है, 20 × 1 + 30 × 2 + 40 × 3 + 50 × 4। अब नीचे में कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि इसको ऐड करोगे तो यानी कितना हो जाएगा, 20 + 60 + 120, हाँ सही है, यानी कि 200। नीचे में कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 180 और 200, 400, यानी कि कितना हो गया, 10, यानी कि जो है 40 आंसर हो गया। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़े, हाँ इसमें कोई डाउट है, ओके चलिए तो आगे बढ़ जाऊं ना मैं, अगर किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ओके थैंक यू बेटा। हाँ अब इसी टाइप से आपको कभी भी कोई क्वेश्चन दिया रहे तो आप जो है फटाफट निकाल सकते हो, आपके सामने जब भी दिया रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एवोगाड्रो नंबर की। देखो एवोगाड्रो नंबर कहता क्या, मेरी बात ध्यान से सुना, इसकी लैंग्वेज पे नहीं जाना। एवोगाड्रो ने ना एवोगाड्रो वैल्यू नहीं निकाली थी, एक बार क्वेश्चन पूछा था क्या कि एवोगाड्रो का जो नंबर है वो किसने दिया था। एक्चुअल में एवोगाड्रो ने एवोगाड्रो वैल्यू नहीं निकाली थी, एवोगाड्रो ने कहा क्या था, मेरी बात सुना। एवोगाड्रो ने कहा कि एक मोल हाइड्रोजन में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतने ही मोल्स किसमें होंगे, H2 के मॉलिक्यूल्स में या हीलियम के या सोडियम के, यानी कि उतना। उन्होंने सिंपली ये कहा कि एक मोल अगर जो हाइड्रोजन लेते हो, अगर जो किसी और चीज का भी एक मोल लेते हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ये बात जो है यानी कि किसने कही थी, एवोगाड्रो ने कही थी। एवोगाड्रो यानी कि उन्होंने जो ये नहीं कहा कि एवोगाड्रो की जो वैल्यू होगी वो 6.02 × 10⁻²³ होगी, ये बात जो है एवोगाड्रो ने नहीं कही थी, ठीक है। मैंने आप लोगों को एवोगाड्रो वैल्यू को निकालने का जो है बताया था, जब वहां पे एटॉमिक मास बताया था कैसे निकाला जाता है 6.023 × 10⁻²³। वेट ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाँ चलिए यानी कि मैं जो है बता देता हूँ फिर से, अगर जो किसी को नहीं मैं बता देता हूँ यानी कि एवोगाड्रो की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि जैसे मुझे निकालना है, यानी कि क्या हो जाएगा, जैसे कि एवोगाड्रो की वैल्यू कैसे आती है 6.3, यानी कि आपको एवोगाड्रो को शॉर्ट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये भी याद रखना है। एवोगाड्रो नंबर, जिसको एवोगाड्रो भी पढ़ा जाता है, अगर जो इंग्लिश में प्रॉपर उच्चारण करोगे तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Na से, ठीक है। यानी कि इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, Na से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको याद रखना। जो इसकी वैल्यू होती है ना Na की, वो कितनी होती है, 6.022 × 10⁻²³। हाँ वेरी गुड, थैंक यू बेटा बताने के लिए, ठीक है। आप ही लोग हमारे सहारा बताते रहते हो, ठीक है, थैंक यू बेटा। यानी कि जो है कितना हो जाएगा, 6.022 × 10⁻²³ पार्टिकल्स हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, एक एटम जो मास होता है कार्बन का वो कितना हो जाता है, 1.99 × 10³ ग्राम हो जाता है, कितने माइनस में, यानी कि इस प्रकार से यानी कि इसका जो है मास हो जाता है। अब यानी कि खुद सोचो कि मेरे को एक एटम का मास इतना है तो 12 ग्राम एटम में, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता था 1.99 × 10⁻²⁷ ग्राम में कितने एटम होंगे, एक एटम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, यानी कि 1.99 × 10⁻²³ ग्राम में कितने एटम हो जाएंगे, 1 एटम हो जाएंगे, यानी कि एक, अब एक ग्राम में यानी कि कितना हो जाएगा, 1/1.99 × 10⁻²⁷ हो जाएगा। और इसके लिए 12 ग्राम में निकालना, क्योंकि कार्बन के लिए आपने निकाल रहे हैं, यानी कि 12.1.99, हाँ मैं इसको इधर कर देता हूँ ताकि कि आप लोगों को क्लियर विजिबल हो जाए, ठीक है, 1.99 × 10⁻³, अरे यार कितना हो जाएगा, 10⁻²⁷। इसको आप सॉल्व करोगे तो यानी कितना आ जाता है, 6.022 × 10⁻²³, यानी कि इस प्रकार से क्या कर सकते हो, यानी कि जो है आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई कैसे इसकी वैल्यू आई, आपको याद रखना कि इसकी वैल्यू जो निकाली किसने थी, जो है एवोगाड्रो नंबर की, जो एवोगाड्रो की जो वैल्यू निकाली थी माइकल फराडे और जो है मिलिकेन ने जो है यानी निकाला था, ठीक है,
माइकल फ्राडे ने और मिलिकन ने, दोनों ने इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का यूज किया। ये तो अल्टरनेट मेथड है ताकि कि आप लोग जो है निकाल सको। वो एक्चुअली काफी कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं मतलब थोड़ा सा लेंदी टाइप का है, जो है उससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी निकाल सकते हो। आपको बस ये याद रखना कि 1 एवोगाड्रो की वैल्यू जो होती है कितनी होती है, यानी कि कितनी होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो बात कर लेते हैं, यानी कि अब आप लोग जो है यानी कि मॉलिकुलर मास की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग किसकी बात करते हैं, मॉलिकुलर मास की बात करते हैं, मॉलिकुलर मास की। मॉलिकुलर मास क्या होता है, द मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द टोटल मास ऑफ ऑल द एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड, इन द कंपाउंड इज नोन एज मॉलिकुलर मास। ठीक है, मॉलिकुलर मास इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि मॉलिकुलर मास कहा जाता है। ठीक है, अगर जब कोई भी चीज छूट गया हो ना तो आप मेरे को जरूर इन्फॉर्म करना, मैं जरूर फिर से बता दूंगा। ऐसा कई बार होता है कि किसी बैच में कुछ ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं, इसीलिए जो है मैंने नोट्स जो है दूसरे का आपको भेज दिया है, ताकि कि ऐसा कोई चीज छूट जाए तो आप मेरे को हिंट कर देना अगली क्लास में जब भी हो। अब वैसे आपकी क्लास मेरे को पता है शुक्रवार को एक एक्स्ट्रा लगेगी, जहां तक अगर क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चन कराने हैं, ताकि कि आप जो है ट्रैक पे आ जाओ। ठीक है, तो जो है पूरे जो है हो जाएंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यानी कि मॉलिकुलर मास क्या हो जाता है, यानी कि इस प्रकार से हो जाता है। अब देखो यानी कि टोटल मास, यानी कि जो है आपको क्या करना है, यानी कि निकालना है। यानी कि जब टोटल मास कितना हो जाएगा, यानी कि जो है टोटल मास, यानी कि जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे कंपाउंड में या मॉलिक्यूल्स में, उन सबको क्या कर देना, ऐड कर देना। जैसे मैं कहूं कि एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, H2O, ठीक है, मैंने क्या ले लिया, H2O। अब आपसे पूछा जाए कि इसका मॉलिकुलर मास कितना होगा, आपको क्या करना है कि यानी कि हाइड्रोजन का मास होता है 1 और कितने एटम है 2, और ऑक्सीजन का मास होता है 16, इसको ऐड कर दोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 18 ग्राम हो जाएगा। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, 1 से लेकर 30 तक याद रखने की टेक्निक बताता हूँ, बहुत ही आपको जो है काफी ज्यादा मदद मिलेगी। आप लोग प्लीज 10 मिनट कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि आपके लिए जो है कहीं भी नहीं बताया जाएगा कि 1 से लेकर 30 लाख, 1 से 20 लाख हर जगह मिलेंगे, लेकिन 1 से लेकर 30 लाख जो है नहीं मिलेंगे। आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको बताता हूं। ओके, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, या इसी में बता दूं क्या, कुछ समझ में नहीं आया। यस मैं अच्छे से बताता हूं ना, क्योंकि जब मैं लिखूंगा तो चीजें आपको जो है समझ में भी आएगी। पेज पे पेज ऐड हो गए, चलो कोई नहीं, बाद में आप लोग पेज जो भी एक आध दो पेज एक्स्ट्रा ऐड हो गया है तो उसको हटा देना। चलिए मैं यहाँ पे जो है यानी कि एलिमेंट लिखता हूँ, मैं एक लाइन बना दे रहा हूँ, आप लोग मेरी मदद करना, देखना मैं गलत लिखूँ तो बताना। यहाँ पे एलिमेंट है और यहाँ पे मास है। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट है और यहाँ मास है, यहाँ पे भी एलिमेंट है यहाँ भी मास है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि इसमें ज्यादा लिखना पड़ेगा। चलिए आप लोग मुझे बता सकते हैं पहला एलिमेंट कौन होता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन दूसरा, हाँ हाइड्रोजन हाँ बोलिए सब लोग, आप लोग बोलिए आपस में, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाँ, फ्लोरीन, नियोन, हाँ वेरी गुड। उसके बाद बताइए। सोडियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, 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 सिलिकॉन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आर्गन, आर्गन, पोटेशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, पोटेशियम, रेडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, वेनेडियम, क्रोमियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज, आयरन, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट, निकल, निकल,
अब जिनको याद नहीं है मैं उनके लिए जो है एक टेक्निक बताता हूँ, देखो कैसे याद रखना है। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी सोडा कोला और कीमती कार। आपको क्या मांगना है कि एक अच्छा रैंक दे दे भगवान से, ताकि कि जो आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंचे। फिर क्या कहता है, साइंस टीचर वेरी क्रुविल, मांगे फी कोई नहीं क्यों जानता। एक और तरीका इसको आप लोग ये याद रख सकते हो, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानो, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से भी जो आप लोग याद रख सकते हो। अब हमें जो है बेसिकली जब मैं पीरियोडिक टेबल बताऊंगा तो बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा इन सब चीजों को याद रखने का। अब देखो यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा कि इनको जो है याद रखने के लिए कैसे है, यानी कि ऑड जो होता है, आपको मैं फॉर्मूला देने जा रहा हूँ, ऑड इक्वल टू क्या होता है, 2n+1 होता है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, मैं नीचे कर देता हूँ। ओके हाँ चलिए, यानी कि अगर जो आपके पास ऑड होगा तो यानी कि क्या हो जाएगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मॉलिकुलर मैथ मैं वैसे बताता नहीं, क्योंकि मैंने आप लोगों को कभी बताया नहीं है, जिनको मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाता हूँ मैं ये सब चीजें उनको बताता नहीं हूँ, क्योंकि वो लोग जो है याद कर लेते हैं, क्योंकि मैं पीरियोडिक टेबल जब बताता हूँ बहुत सारी चीजें उसमें नई नई चीजें आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोग कभी शायद सुनो नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अब यानी कि ऑड के लिए जो है यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि 2n+1 हो जाता है, और इवन के लिए जो है यानी कि क्या होता है, फॉर्मूला 2n होता है। अब n की वैल्यू जो क्या रखना है, नंबर एटॉमिक नंबर की वैल्यू रखनी है, ठीक है। यानी कि n की वैल्यू क्या रखनी है, एटॉमिक नंबर रखनी है। वन मिनट, चलिए ठीक है, मैंने सोचा म्यूट तो नहीं हो गया हूँ, नहीं मैं म्यूट नहीं हुआ हूँ, ठीक है। चलिए यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ऑड जो है यानी कि क्या हो जाएगा, 2n+1 हो जाएगा, इवन की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2n हो जाएगी। मेरे ख्याल से क्लियर है। अब देखिए यानी कि हम लोग जो है इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब देखो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। हीलियम बताइए ऑड है कि इवन है, इवन है, यानी कि एटॉमिक नंबर का कितना होता है, 2 होता है, तो 2 है तो यानी कि इवन, यानी कि 2 × 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब लिथियम, लिथियम क्या है, ऑड है, तो ऑड है तो यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि 2n+1, n की जगह 3 रखेंगे तो यानी कि 3 × 2 = 6, 6+1 यानी कि कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके पास बेरिलियम यानी कि कितना है, यानी कि 4 है एटॉमिक नंबर, तो इस हिसाब से कितना होना चाहिए था, 1, लेकिन इसको याद रखना यहाँ पे कितना होता है, यानी कि 9 होता है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अब वापस चलते हैं, यानी कि बोरोन कितना है, 5 × 2 = 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11। कार्बन कितना है, 6, ऑड है इवन है तो यानी कि 6 × 2 = 12 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना होता है, 7 × 40 + 1 15 होना चाहिए था, लेकिन ये भी एक एक्सेप्शन है और इसका भी मास कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। 15 ना होकर कितना होता है जो है, यानी कि जो है 14 होता है, अब इसको याद रख लेना, यानी कि कितना होता है, 14 होता है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। अब जो है यानी कि अब आपके पास ऑक्सीजन 8 होता है तो यानी कि कितना हो जाता है, 16। फ्लोरीन कितना हो जाता है, 19, और नियोन कितना हो जाता है, यानी कि 20 हो जाता है। सोडियम कितना होता है, ये ऑड है तो यानी कि 21 × 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 23, और मैग्नीशियम इवन है तो यानी 12 × 2 यानी 24। एल्युमिनियम क्या होता है, ऑड है तो यानी कि 27 हो जाएगा। सिलिकन ऑड है तो इवन है तो यानी 28 हो जाएगा। फास्फोरस ऑड है तो 31 हो जाएगा। सल्फर कितना हो जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब क्लोरीन का आपको याद रखना हो, ठीक है, इसका सल्फर का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्लोरीन का आपको याद रखना, इसके अनुसार से होता 35, लेकिन एक्चुअल में होता कितना है, 35.5 होता है, ठीक है। यानी किसको याद रखोगे, याद रखोगे कि नहीं रखोगे, ठीक है। आर्गन का कितना होता है, 40, ये एक्सेप्शन है, और ये इसका जो है यानी कि कितना हो जाता है, पोटासियम का कितना हो जाता है, यानी कि 39, क्योंकि 19 × 2 + 1, और कैल्शियम का कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। मेरे ख्याल से इतना तो क्लियर हो गया होगा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर, नहीं ओके, चलिए अब जो है आप लोगों को बेसब्री से इंतजार होगा। आप डरिया, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हो, ठीक है।
सूर्यांश आप माइक को म्यूट कर लीजिए, ठीक है ओके। अब जो है यानी अब यहाँ से ध्यान से देना, ये चीजें जो है आपको नहीं बताई जाएगी, यानी कि स्केडियम। अब देखो इसका सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिखना 21, मैं इसको ग्रीन से ही लिख देता हूँ क्योंकि आप लोगों को जो एक्सेप्शन रहेगा वो आपको देखने में मदद मिलेगा, ठीक है। यानी कि अब यानी कि इसका कितना होता है 21, यानी कि इसका कितना होता है 21, इसका कितना होता है 22, इसका कितना होता है 23, इसका कितना होता है 24, इसका कितना होता है 25, इसका कितना होता है 26, इसका कितना होता है 27, इसका कितना होता है 28, और इसका कितना होता है 29, और इसका कितना होता है 30। अब इसको सबको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से। मैं जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ वो शायद आपके काम आ सकती है, शायद आपको अच्छा लगे तो मेरे को जरूर बताना, नहीं लगे तो अंगूठा नीचे कर देना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें ऐड करते चले आना, क्या ऐड करना है, 3, 45, 45 और 45 + 3, 55, ठीक है। अब यहाँ पे लिखोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 21 × 42 = 45, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 44 × 4 = 46, और यहाँ पे 46 × 5 कितना हो जाएगा, यानी कि 51, और 48 × 2 = 52, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 55, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 52 × 4 = 56, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 54 × 5 = 59, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 56 × 3 = 59, और कॉपर का कितना हो जाएगा, 63.5 हो जाएगा। ये 63 होता है लेकिन 63.5 याद रखना, ये एक्सेप्शन है यहाँ पे, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो याद रखने का जो तरीका है वो मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए, भले देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन अगर जब आप एक बार समझ गए तो आप लोगों की लाइफ में बहुत ही मदद करेगा ये ट्रिक, ठीक है। अगर जो 1 से 20 तलक हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या हो, 1 से लेके 20 तलक हो तो आप ऑड इवन का केस को अप्लाई करना। अच्छा मैंने यहाँ पे इसके जगह पे भी जो है ब्लू कलर से नहीं लिख के रेड से ही लिख दिया है, ठीक है। मैं इसको सुधार देता हूँ ताकि कि 39 और 40, क्योंकि एक्सेप्शन एक्सेप्शन रह गया, आपको इस तरह से याद रह जाएगा। अब आपको क्या करना है कि अगर 1 से लेके 20 तलक रहे तो आपको क्या करना है, यानी कि सिंपली आप देखना कि अगर जो ऑड इवन का केस करना, यानी कि देखना जो ऑड होगा तो उसको क्या करना, 2n + 1 से ऐड कर देना, इवन जो होगा उसको 2n से कर देना, लेकिन किसको किसको याद रखना, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन को याद रखना, ठीक है। यानी कि किसको किसको याद रखोगे, बेरिलियम, नाइट्रोजन, क्लोरीन और आर्गन को रखना। अब मेरे ख्याल से 1 से 20 में 4 याद रखना मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादा अच्छा तरीका है, ना कि 20 के 20 को याद रखना। दूसरी बात, अब यानी कि यहाँ पे आपको एटॉमिक नंबर जो है याद रखना पड़ेगा, यानी कि 1 से लेके 30 तक। अब यहाँ पे क्या करना, 3 बार 45 जोड़ना, 45 45 45 45 और 3 55, यानी कि इस प्रकार से जोड़ के आप क्या कर सकते हो, यानी कि किसी भी एटम का जो है क्या निकाल सकते हो, एटॉमिक मास निकाल सकते हो, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो कि कभी भी बाय चांस मान लो भूल जाओ तो आपको ये याद रखना है कि 3 45 45, सपोज करो मेरे को 7th नंबर याद नहीं है, हम करेंगे 3 45 45, उंगली में जोड़ना, जैसे कि मेरे पास 3, आप लोगों को मेरे हाथ दिख रहा है, यस सर, यस सर, कुछ तो बोलिए, यस सर, यस सर, हाँ, यानी कि जो है, यानी कि क्या होगा कि जो, हाँ, 3 45, यानी कि 3 45 45 45 7, यानी कि लास्ट में क्या जोड़ना होगा, 5 जोड़ना होगा। अब जितना एटॉमिक नंबर है उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 5 जोड़ दो, यानी कि इस प्रकार से उंगली को इसका यूज करना है। यानी कि मेरे को मान लो कि 8 नंबर जोड़ना है, तो यानी कि 3 45 45 45 3, यानी कि कितना जोड़ना होगा, 3 जोड़ना होगा। तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है हर चीज को जोड़ जोड़ के लिख सकते हो। मेरे ख्याल से शायद थोड़ी सी अच्छी ट्रिक लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो बताइए, नहीं लगी तो कोई बात नहीं। आप लोगों को अच्छी लगी, यह पहले से जानते थे? यस सर, यस सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू।
जल सुशांत वेलकम, थैंक यू। चलिए कोई बात नहीं, इसी तरह से कुछ ना कुछ जो है नियति जो है बढ़िया, वेरी गुड, यानी कि जो आशीष, ठीक है। आप लोग जो है इसको इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे यस बढ़ते सर, हैं। अब जो है यानी यस कि सर, आपको मास निकालने के लिए सिखाता हूँ, ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। हाँ, अब यानी कि जो है आपके सामने पहला क्वेश्चन था, मैंने जो है स्किप कर दिया। जैसे ये था कि इसके जो है मैं क्या निकाला था, मास निकालना था। चलिए अब मैंने जो है पहला निकाला था यानी कि H2O। आप लोगों के लिए एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, CaCO3 का निकालिए, यानी कि किसका निकालना है, CaCO3 का जो है निकालना है मॉलिकुलर मास। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं मॉलिकुलर मास क्या होगा इसका? अगर जब मुझे कोई बता सकते हैं तो प्लीज बताइए, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है। आप लोग बता सकते हैं तो, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। सर 94। कितना आ रहा है बेटा? 94। थोड़ा सा गलत है बेटा, थोड़ा करीब हो लेकिन सर हंड्रेड बहुत लग नहीं पॉइंट पा। जीरो एट समथिंग 100.8। आपने गूगल से देखा है क्या बेटा? सर, नहीं हंड्रेड सर, सर वो एट्टी कैलकुलेट किया था थोड़ा सा, हंड्रेड सर सर 100 पॉइंट कुछ आ रहा है सर। हंड्रेड हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि पॉइंट में तभी आ सकता है जब आप क्या कर रहे होगे गूगल। हाँ 100 बिल्कुल सही। चलिए कोई बात नहीं, कई सर बार नो मुझे सर गूगल से सर भी वो मदद। थोड़ा डिवाइड कर। हाँ अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है कई बार गलती हो जाता है जोड़ने में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन आपने ट्राई किया, ये बहुत बड़ी बात है। हाय वेरी गुड नियति, ऋतिक, उशांत, वेरी गुड, आप लोग का सभी सिखा, धर्मेंद्र, यानी कि वेरी गुड, आप लोग जो है सबका जो है 100 आया। चलिए अब देखो मैं निकाल देता हूँ, आप लोग यहाँ से ध्यान रखिए, वरुण, हरीश। हाँ चलिए, यानी कि कैल्शियम का मास कितना होता है, यानी कि 40 होता है, प्लस कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है, कि कितने एटम है, 3 एटम है, तो यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 प्लस 12 प्लस 48, 48 प्लस 12 कितना होता है 60, और 60 प्लस 40 कितना हो जाता है 100 हो जाता है, ठीक है। चलिए आप लोगों ने कपड़ा धोया है, कभी धोया यस है कि नहीं सर, धोया है? यस तो सर, कपड़े धोने वाले सोडा का फॉर्मूला बता सकते हैं आप लोग? यस सर, क्या होता है यस बताइए? सर, Na2 CO2। Na2CO3.10H2O। वेरी गुड रजनी, आपको आता है, थैंक यू। अब मुझे बताइए इसका मॉलिकुलर मास बताइए, ठीक है, यानी कि इसका क्या करिए, यानी कि मॉलिकुलर मास बताना है आपको। फटाफट से बताइए इसका मॉलिकुलर मास कितना होगा? आप लोग बता सकते तो बताइए फटाफट से। किसी का बन गया हो तो बताइए प्लीज। किसी का बना? किसी का बना कि नहीं बना? 284 284, वेरी गुड, 286, मेरे ख्याल से 286 आएगा, एक्चुअली मुझे भी याद नहीं, वेरी गुड, 286 ही आएगा, सबका आ रहा है तो यानी कि जो है 286 आएगा, 286, वेरी गुड, 286। हाँ चलिए वेरी गुड, आप लोग आता है एक्चुअली ना, मैंने एक क्लास में दिया तो उन्होंने क्या करा था, इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, आप लोगों ने भी मल्टीप्लाई कर दिया क्या? चलिए मैं यस सर, निकालता हूँ, सोडियम, सोडियम का एटम कितना होता है 23, तो 23 × 2 प्लस, अब यानी कि कार्बन का कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 3, वेरी गुड दीपक, ठीक है, प्लस 10 H2, यानी कि इसको ऐसे करना है, ऐसा नहीं कि इस पूरे को
इसका जो भी वैल्यू आया 10H2O का, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, नहीं। हाँ, यानी कि कितना हो जाएगा 2, और प्लस में कितना हो जाएगा 16। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यानी कि 46, 126 नहीं आएगा, 12, और ये कितना हो जाएगा 48, प्लस 48 होगा, ठीक है, प्लस 180। इसको आप 2, 16 प्लस 2 यानी कि कितना हो जाएगा 18 × 10 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा 60, और प्लस 46 यानी कि 106 प्लस 1806, और ये कितना हो जाएगा 286, यानी कि आप लोगों का क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दें। हाँ, वेरी गुड समीर। आपके सामने मान लो कि आप लोग मुझे बताइए, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम लोगों को क्या खाने से एनर्जी मिलती है? ग्लूकोज। तो क्या आप ग्लूकोज का फॉर्मूला बता सकते हैं कोई? हाँ बताइए। C6H12O6। वेरी गुड। अच्छा, मुझे शुगर का फॉर्मूला बता सकते हैं? शुगर का फॉर्मूला C12H22O12। ग्लूकोज का है O11। O11 सर। C12H22O11। अच्छा, ये जो फॉर्मूला शुगर का, तो फ्रुक्टोज का बता सकते हो क्या फॉर्मूला होगा? कुछ फ्रुक्टोज का भी यही फॉर्मूला होता है जो सुगर का फॉर्मूला होता है, बस याद रखना, ठीक है। कई बार अगर जो फ्रुक्टोज दे देता है तो यानी कि जो आप सिंपली इसी को फॉर्मूले को लिख सकते हो, फटाफट से इसको बनाइए। दोनों का जो है आपको याद भी रखना है और इसको बनाना भी है। मैं अभी बताता हूँ, अगर जो किसी का आंसर आ गया है तो प्लीज मेरे को बता दीजिए। सर 180 ग्लूकोज 180 इसका 180 आया है, मतलब ग्लूकोज का कि शुगर का? ग्लूकोज है। ओके बेटा, थैंक यू। ग्लूकोज का जो है यानी कि क्या आया है, जो है 180 आया है। थैंक यू योगेश, थैंक यू समीर, 180। गौरव, दीपक, थैंक यू, आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है। और तो चलिए मैं बना देता हूँ। नियति का भी बढ़िया है, वरुण का भी बढ़िया है, यानी 180 सबका जो है यानी कि 180 है। चलिए, यानी इसमें जो है समय बर्बाद ना करके जो है 180, प्रीति का भी है, जतिन का भी है, तो हम लोग जो आगे बढ़ते हैं। चलिए, यानी कि कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है? 12 × 6 प्लस, यानी कि कितना हो जाएगा हाइड्रोजन के एटम का मास? 1 × 12। वेरी गुड, जिन्होंने जो है सबने आंसर दिया है। और 16 × 6, अब यानी कि कितना हो जाएगा? 72 + 12, और ये कितना हो जाएगा? 96, और यानी कि कितना हो जाएगा? 84 + 96 यानी कि कितना हो जाएगा? 180। वेरी गुड। जो है आशीष, आपने जो है, अनमोल, आप लोगों ने जो ट्राई कर रहे हो, वेरी गुड। अनमोल, आपका आंसर भी सही है। ग्लूकोज का शुगर का बताइए आप। 342, वेरी गुड। आशीष 332 नहीं होगा, 342 होगा। दीपाक्षी, वेरी गुड। सगुन, वेरी गुड। अनुपम, आशीष, अर्णव, वेरी गुड। थैंक यू यार, आप लोग तो बहुत तेज हो, फटाफट बना दे रहे हो। ओके बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है गलती, ठीक है। वरुण, योगेश, जतिन, ठीक है। चलिए अब मैं निकाल देता हूँ, आप लोग जो है बिल्कुल सही बता रहे हैं, समीर, रजनी, ठीक है। चलिए, यानी कि क्या हो जाएगा कि देखो, कार्बन के एक एटम का मास 12 है, तो यानी कि कितना हो जाएगा? 12 + 1 × 22 + हाइड्रोजन का जो मास हो जाता है वो कितना हो जाता है? 22। ऑक्सीजन का मास हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं लिखना है मुझे, क्या लिखना है ऑक्सीजन की जगह पे? 16 × 11। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 144 + 22, और ये कितना हो जाएगा? 160। आप इसको सॉल्व करते हैं तो यानी कि कितना आ जाएगा? 342 ग्राम आ जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, समझ में आ रहा है? नो सर। हाँ, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग, किसी को कोई डाउट है? चलिए, अब आपके लिए अच्छा सा क्वेश्चन, रेडी हो? यस सर। चलिए मैं आपके लिए जो है अगला अगला क्वेश्चन जो है देने जा रहा हूँ। मैं इसको रेज कर देता हूँ आप लोगों के लिए जो है, आप लोगों के लिए बहुत ही छोटा सोडियम फेरोसाइनाइड का देता हूँ। NA4 और FeCN6। किसी का माइक ऑन है प्लीज उसको म्यूट कर। दीपाक्षी, शायद आपका माइक ऑन है क्या? आप इसको म्यूट कर लीजिए।
अब मेरे ख्याल से इको आवाज नहीं होगी। चलिए, एक्चुअली कई बार दो मोबाइल होते तो जिस कारण से इको आता। आप लोग इसका बताइए कितना आया। आप लोगों को मैं इंपेरिकल फॉर्मूला का जो सुपर ट्रिक बताऊंगा, आप लोग जो है उसको बनाने में 5-6 मिनट लगाते। 303, वेरी गुड। मुझे भी नहीं पता, मैं भी याद नहीं रखा हूँ। मेरे को सिर्फ दो ही का याद है, ग्लूकोज सुगर और कैल्शियम कार्बोनेट का। बाकी जब आता है तो मैं क्या करता हूँ, यानी कि निकाल लेता हूँ। जब भी क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यानी कि निकाल लेता हूँ। 303, ठीक है, सबका 303 आ रहा था, यानी कि बिल्कुल सही आंसर है 303। ओके वरुण, वेरी गुड। दीक्षित, वेरी गुड। अनुपम, वेरी गुड। उशांत, बन्नू, अभिषेक, ठीक है, वेरी गुड। गौरव, ठीक है, चलिए। योगेश, ठीक है, जतिन, चलिए। अब दीपक, धर्मेंद्र, अब मैं बनाता हूँ, आप लोग मेरे को बताना मैंने सही बनाया या गलत बनाया, आप लोग मेरे को मदद करना। यानी कि सोडियम का मास कितना होता है 23, और इंटू कितना हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आयरन का मास कितना होता है, कोई मुझे बता सकता है? अभी जस्ट मैंने बताया था कितना हो जाता है, 56, ठीक है। हाँ, अब प्लस 6 टाइम है तो यानी 6 टाइम, यानी कि 12 प्लस कितना हो जाएगा 14, यानी कि कितना हो जाएगा 12 और 92 प्लस 56 और प्लस, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 26 इंटू 6, ठीक है, 6 और 2 26। अब जो है यानी कि क्या करेंगे, 92 प्लस 56, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6, यानी कि 156। अब इसको ऐड करोगे तो 6 6 12 2 14, अब 5 8 6 6 5 11, 11 और 9 0, यानी कि कितना हो जाएगा 2, यानी कि 304। वेरी गुड, आप लोग सभी का आंसर जो है यानी कि क्या था, 304, सभी का यही आंसर था मेरे ख्याल से। वेल डन आशीष, ठीक है, यानी कि 304, बिल्कुल सबका जो है यही आंसर होगा, ठीक है, चलिए, थैंक यू। अब चलिए मैं जो है यानी कि अब आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क दे देता हूँ। अब आप लोग उसको क्या करना, होमवर्क को बना के आना, ठीक है। हाँ, 304। अब यानी कि आपके लिए जो होमवर्क है ये, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें से मैंने एक दो बता दिए हैं, आप लोग जो है बाकी का जो है बना के लेके आना, लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए। यस सर। ओके, किन्हीं को कोई डाउट हो तो बताइए, मैं आगे बढ़ जाऊं। आपके लिए ये आपके लिए होमवर्क, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही, आप लोग को जो भी मिले आप उसको जो है क्या कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। CaSO4 यानी कि डॉट हाफ H2 जो होता है, यानी कि किसका होता है, यानी कि जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। सॉरी, मुझे ये हो गया ना, मैं आगे बढ़ जाऊं ना। यस सर। यस सर। ओके चलिए, अब हम लोग जो मोल की बात करते हैं, मोल क्या होता है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोल। बेसिकली कहता है कि एक एवोगाड्रो में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसी को आप मोल, वन मोल कहेंगे। ये बिल्कुल वैसी लॉजिक बात है, एवोगाड्रो ने जैसे कहा था जस्ट इसी को रिवर्स करके दे दिया। सबसे पहले मैं बताता हूँ मोल की जरूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली क्या हो गया, जब मोल के पहले छोटे छोटे एलिमेंट के मास को मेजर करना था, उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल निकालना था, तो हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी। जब हमारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी जिस कारण से हम लोग क्या कर रहे थे, यानी कि एग्जैक्ट मोल जो है नहीं निकाल पा रहे थे। अब जब एग्जैक्ट मोल नहीं निकाल पा रहे थे तो जिस कारण से हम लोग क्या कर रहे थे कि यानी कि जो है हम लोगों को ऐसा कोई यूनिट चाहिए। तो जैसे मान लो कि आप दुकान में जाते हो, ठीक है, आप जब दुकान में गए तो उसको कहोगे कि मेरे को जो है क्या करो, 1 kg चावल या चीनी दे दो, तो वो कैसे देगा? वो गया, वो सीधा ऐसा तो नहीं करेगा ना, एक हाथ से उठा कैसे दे देगा, यानी ऐसा तो नहीं करेगा। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि बेसिकली आपको जो है वहां पे एक छोटा सा वेट का लोहे का रहता है इस टाइप का, उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यानी कि बगल में रेफरेंस में रखते हैं। उसी तरह से उन लोगों को भी सामने क्या चाहिए था, यानी कि ऐसा कुछ रेफरेंस चाहिए था जिसके कारण से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि जो है मेजर कर सके हो, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से उनको चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि जितना मोल, यानी कि एक एवोगाड्रो में नंबर ऑफ पार्टिकल जितने होंगे वही जो है यानी कि क्या कहलाएगा, मोल कहलाएगा। इसको एक और तरीके से हम लोग क्या कह सकते थे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग एज मेनी एज पार्टिकल ऑफ द नंबर ऑफ एटम इन 12 ग्राम, यानी कि बेसिकली। और वो कौन सा एसोटोप लेना है, C12 का एसोटोप लेना है। बेसिकली उन्होंने क्या कहा
कि नंबर ऑफ पार्टिकल यानी कि 12 ग्राम बेसिकली वन ही मोल हो गया, यानी कि वन मोल में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे या सबस्टांस आएंगे उसी को हम लोग क्या कह देंगे, वन मोल कह देंगे। ठीक है, आपको याद रखना कि जो हम लोग मास किसी भी चीज को मेजर करते हैं वो कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्यों नहीं करते हैं, आप लोगों को याद है? याद है कि नहीं? मैंने जो है बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्यों नहीं यूज करते हैं, कोई तो बोलिए। सर आज हम नहीं बोलेगा, थक जाएगा, रात 11 बजे तक जगना है। हाँ चलिए ठीक है, जिस कारण से दोनों के लिए हमें मेजर करने के लिए नहीं बन रहा था इसीलिए जो हम लोग 21 का यूज करते हैं, कार्बन 12 का यूज करते हैं। ठीक है चलिए, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यानी कि कार्बन 12 आइसोटोप का यूज करते हैं। अब आपको मैं पहला फॉर्मूला देने जा रहा हूं मोल कॉन्सेप्ट का। ठीक है, आपके सामने जो है पहला फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल सा है, यहीं से शुरू होती है हमारी यूनिट की मेन पार्ट, जहां से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ये सिंपल सा क्वेश्चन से तो नहीं मिलेंगे, मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवेन मास, वहां पे एटॉमिक मास दिया रहेगा, ठीक है, एटॉमिक वेट दिया रहेगा। मैं जो सिंपली क्या करता हूँ, गिवेन मास बाय मॉलिकुलर मास लिखता हूँ। ठीक है, यानी कि मैं जो सिंपल तरीके का फॉलो करता हूँ, गिवन मास मतलब जो आपको दिया रहेगा या जिसको निकालना रहे। हमेशा याद रखना कि मॉलिकुलर मास हमेशा फिक्स रहेगा, इस बात को ध्यान रखना, मॉलिकुलर मास हमेशा क्या रहेगा, यानी कि फिक्स रहेगा, यानी कि वो जो है यानी कि क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा। अब यानी कि एन इक्वल टू कितना हो गया, गिवन मास। अब यानी कि हमारे पास कितना हो गया, एन यानी कि गिवन मास हो गया। अब यानी कि हमारे पास जो है, जैसे मैं क्वेश्चन करूं, मैं इसके क्वेश्चन के फॉर्म में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। क्वेश्चन बताना, फाइंड द मोल इन अ 40 ग्राम ऑफ नियॉन एटम। ठीक है, आपसे पूछा गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया, ऐसा इसलिए लिया ताकि कट जाए। अब यानी कि फाइंड द मोल्स इन अ 40 ग्राम ऑफ नियॉन एटम्स। अब आपके पास मोल निकालने का फॉर्मूला पता है, यानी कि फॉर्मूला क्या है, यानी कि गिवन मास कितना दिया हुआ है, 40, हमने 40 ले लिया। अब देखो यानी कि नियॉन का एटम का मास कितना होता है, कोई मुझे बताएगा? हाँ बिल्कुल, आंसर सही है, यानी कि कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि इसका मोल कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। मेरी बात सुनना, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ, प्लीज एक से एक मिनट आप लोग जो है बिल्कुल लीव नहीं कीजिएगा। आपके सामने दिक्कत क्या आएगी ना, मैं बताने जा रहा हूँ उस चीज को, ब्रैकेट में लिखता हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि एटम, जैसे कई बच्चे कहते हैं सर ऑक्सीजन का मास मैं 16 लूं या ऑक्सीजन का मास 32 लूं, मेरे से कई बार पूछे हैं जब मैं पिछली बार जब पढ़ाता था जहाँ पे, तो वो बोलते थे सर कभी आप 16 ले लेते हो, कभी जो आप क्या ले लेते हो, 32 ले लेते हो, मुझे कैसे पता लगेगा कि कब लेना है 16 कब लेना है 13। तो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना कि अगर वो एटम की बात करेगा ना, चाहे जिस एटम की बात करेगा, तो उस एटम का मास लेना। ठीक है, जिस एटम की बात करेगा तो तब एटॉमिक मास लेना, अगर जो वो मॉलिक्यूल्स की बात करेगा तो आपको क्या लेना है, मॉलिक्यूल्स मास लेना है, मॉलिक्यूलर मास लेना है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये बात, बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि सर वो कहता है कि नाइट्रोजन एटम, जैसे मान लो कि 14 ग्राम जो है नाइट्रोजन एटम का जो है मोल निकालो, अब वो बच्चे सोचते हैं कि यानी कि नाइट्रोजन आ रहा है 28, यानी कि 14 डिवाइडेड बाय 20 ना, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, यानी कि एटम दिया हुआ है, तो मास भी किसका लोगे, एटम का लोगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो आपको कंफ्यूजन आएगा, या कभी ऐसा आया होगा, क्योंकि जब यहाँ पे नाइट्रोजन एटम है तो यानी कि मास भी किसका लेंगे, एटम का लेंगे, तो यानी कि वन मोल हो जाएगा। अगर यही कहता है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो आप किसका मास लेते, 14 डिवाइडेड बाय 28 लेते, यानी कि कितना हो जाता, 0.5 मोल। मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? यानी कि जब भी आपके पास इस टाइप से क्वेश्चन आए, आप इस चीज को ध्यान देना। वैसे हम लोगों, मैं प्रयास करूंगा कि शुक्रवार को आपकी एक 8 से 9 क्लास जो है एक्स्ट्रा ले लूं। ठीक है, आप लोग रेडी रहना, मैं आप लोगों को लिंक भेज दूंगा, ताकि कि हम लोग थोड़ा सा पीछे, ज्यादा पीछे नहीं है, अगर जो उस दिन आधा घंटा भी ले लिए, 40 मिनट भी ले लिए,
तो आप लोगों का जो है बराबर ट्रैक पे आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे चाहूंगा कि आप लोग जो है क्योंकि आप लोगों की सेकंड क्लास है, मेरे किसकी है, बायोलॉजी की है? Yes, sir. हाँ, तो आप लोगों मैं बिल्कुल क्वेश्चन दूंगा बेटा, थोड़ा सा कंप्लीट हो जाने दो, जैसे मोर कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली क्या, मैं अगर जो उस बुक से दूंगा ना, तो उसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर के मैं जनरली क्वेश्चन देता हूँ, ताकि कि आप लोगों को पता लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रिसेंटली। ठीक है, तो आप लोगों के लिए वो बेनिफिट है, मैं आपको जरूर दूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा कवर हो जाए मोल कॉन्सेप्ट, क्योंकि वहां पे लिमिटिंग रीजेंट का क्वेश्चन आ जाता है, तो जिस कारण से फिर आपके लिए दिक्कत आ जाएगा। मैं कल की क्लास में जब आपके पास होगा तो वहां पे जो है बताएंगे, तो आप लोग फटाफट से जो है दूसरे क्लास में ज्वाइन हो जाइए, नहीं तो वो मुझे डांटेंगे, वैभव सर कहेंगे कि सर आप जो है बच्चों को लेट छोड़ते हो। गुड नाइट सर। Good night, sir. 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 Good night, sir.